खबर अजमेर से है, जहां एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने भगवंत यूनिवर्सिटी के बाहर उग्र प्रदर्शन कर दिया। छात्र नेताओं ने इस दौरान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर ताला भी जड़ दिया। छात्र नेता दिलीप चौधरी ने यूनिवर्सिटी पर छात्रों से पेनल्टी वसूलने, अवैध तरीके से पैसे वसूलने का आरोप लगाया है और साथ ही बताया कि जब इसका विरोध किया जाता है तो परीक्षा में फेल करने की धमकी दी जाती है। हंगामे की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने छात्रों से समझाइश करके इस पूरे मामले को शांत करवाया। आज सुबह 8 बजे से भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर में कम से कम 400 छात्रों की तादाद में हमने उग्र प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के तहत हमारी यही मांग है कि जो आज भगवंत यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शिक्षा व्यवस्था को अपना व्यवसाय बना लिया है, जिसके तहत छात्र छात्राओं का एडमिशन ले लेते हैं और फिर उनको मजबूर करते हैं। मजबूर इस तरह करते हैं कि उनको जितनी फीस बताई जाती है उससे दुगनी ली जाती है। कहीं उनकी शॉर्ट अटेंडेंस के नाते, कहीं पार्किंग के नाते इन पर दबाव बनाया जाता है, क्योंकि फिर ये एडमिशन लेने के बाद मजबूर हो जाते हैं और इनको ये धमकी दी जाती है कि यदि आपने ये फाइनेंस नहीं दिया तो आपकी कॉपी ये फाड़ के फेंक दी जाएगी, आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको डिग्रियां नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे, इसलिए आज कम से कम भगवंत यूनिवर्सिटी के सारे छात्र छात्राओं ने मिलकर ये उग्र प्रदर्शन किया सुबह 8 बजे से।